हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाएंगे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का ड्राइंग। तो देखिए, कागज़ पर हमें थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिएगा, ये ड्राइंग हमें 32 यू और वाई की मदद से निकालना है। तो इसी लाइन पर हमें ऊपर इस तरह से 3 नंबर ड्रॉ करना है। ध्यान रखिएगा, जो 3 की राइट साइड वाली बाजू है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और उसी के नीचे इस तरह से हमें यू का शेप ड्रॉ करना है। बिल्कुल वो जो यू का शेप है वो 3 को लगना चाहिए, और इसी यू के नीचे हमें वाई कुछ इस तरह से ड्रॉ करने हैं ताकि उनकी साड़ी वगैरह और गला वगैरह बन सके। अब देखिएगा, उनके जो बाल है वो हम इस तरह से एक पतंग नुमा आकार ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। तो उनके बाल हम बनाएंगे 3 नंबर की मदद से। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है ताकि हमें अंदाज़ा हो उनके बाल कैसे आए। उनके बाल घुंघराले थे तो इस तरह से वो गोल गोल ही हम दिखाएंगे, देखिएगा। और यहाँ पर उनकी आँखों के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर 2 नंबर ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से ताकि उनका नाक और आँखें बन सके। पेंसिल का काम हो गया, मैं लेता हूँ मार्कर। आप छोटे पॉइंट वाला मार्कर या स्केच पेन भी ले सकते हैं। अब ये जो शेप है 3 का और यू का, ये हमें पूरा चाहिए। इस तरह से हम उसे आउटलाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब जो उनके बाल हैं वो भी हम एक बार इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे। उनके बाल घुंघराले हैं तो इसी तरह से वो हमें दिखाने पड़ेंगे, देखिए कितने आसानी से। अब यहाँ से उनका हम गला निकालेंगे नीचे। अब ये जो नीचे वाई का शेप है ये भी हमें पूरा चाहिए, देखिएगा। और यहाँ पे हम उनके गले में जो माला होती थी वो निकालेंगे। यहाँ से उनका कंधा आएगा इस तरह से, और यहाँ से इस कंधे पर उनकी साड़ी आएगी। इस साड़ी पर कुछ बॉर्डर वगैरह, बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है। एक दो बार बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पे उनका थोड़ा सा कान हमें दिखेगा, थोड़ी सी उनकी गर्दन तिरछी है इस तरह से। अब उनके बाल जो है वो आधे सफ़ेद थे और आधे काले थे, तो इस तरह से हम दिखाएंगे। घुंघराले बाल है तो इस तरह से हमें ज़िगज़ैग लाइंस, थोड़ी सी गोलाकार लाइंस ड्रॉ करनी होगी उनके बालों के लिए। थोड़ा सा वाइट स्पेस बीच में छोड़ना है, और जो उनके बालों का आधा पार्ट है वो हम ज़्यादा सफ़ेद और थोड़ा सा ही काले बालों में दिखाएंगे, देखिएगा कुछ इस तरह से। कितनी आसानी से उनके बाल बन गए। अब देखिएगा, ये जो अंदर का 2 नंबर है वो हम इस तरह से आउटलाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम नाक ड्रॉ करेंगे उनकी तो थोड़ा सा नीचे से ऐसा गोलाकार हमें लेना है नाक का हिस्सा। उनकी नाक ज़रा नोकदार थी, देखिए ये 2 के ऊपर वाले हिस्से से उनकी आईब्रोज बन गई। ये इधर वाली उसी की पैरेलल, देखिएगा। और उनकी आँखें बनाना देखिए कितना आसान है। ये 4 पॉइंट ले लिए, और उसके अंदर हमें 6 का आकार, 6 का आकार इस तरह से लेटा हुआ निकालना है, और यहाँ से इस तरह जोड़ देना है। नीचे से गोलाकार लाइन से भी जोड़ देंगे। उनकी आँखें ज़रा बड़ी बड़ी थी, सुंदर सी, देखिए कितनी आसानी से। ये उनकी आँखों के ऊपर भी कुछ लाइंस वगैरह। उनकी आँखें आप भी ध्यान से निकालिएगा, देखिए इस तरह से उनकी आँखें और नाक बन गया। अब ये कुछ सिलवटे वगैरह, और बिल्कुल नाक के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर हम उनके लिप्स बनाएंगे थोड़ी सी स्माइल के साथ, देखिए कितनी आसानी से। ये उनके कपड़ों पर कुछ सिलवटे वगैरह इस तरह से, कितनी आसानी से ये ड्राइंग बन गया। जो पेंसिल लाइन्स है उन्हें हम इरेज करेंगे और सुंदर तरीके से इसमें कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से ये ड्राइंग बनाइएगा, बहुत ही सुंदर आपका ये ड्राइंग बनेगा इस ट्रिक की मदद से, 32 और यू और वाई की मदद से। आपको ये ड्राइंग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। तो देखा आपने कितना आसान है 32 यू और वाई की मदद से स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी का ड्राइंग बनाना। आप भी बनाइएगा, अपने दोस्तों को भी बनाकर दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।